आई वेलकम आई वेलकम क्लास फाइव स्टूडेंट्स टू दी इंग्लिश क्लास इंग्लिश लिटरेचर क्लास स्टूडेंट्स टूडे वी विल बिगिन विद दी थर्ड चैप्टर दैट इज अ पोएम अ प्रेयर इन स्प्रिंग वसंत ऋतु में एक प्रार्थना स्टूडेंट्स ये पोएम लिखी गई है एक पोएट से जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो इस पोएम में एक प्रेयर कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ठीक है ये पोएम एक्चुअल में एक प्रार्थना है भगवान से कि भगवान जब बसंत ऋतु का मौसम आता है तो कैसा होना चाहिए ठीक है बसंत ऋतु में क्या होता है पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत हरियाली हो जाती है है ना और पेड़ों पे जिन पे पत्ते झड़ जाते हैं उनके पत्ते आने लग जाते हैं और फूल आने लग जाते हैं और क्या फल आने लग जाते हैं ठीक है ठीके? तो ये उसके बारे में है हम पढ़ते हैं ओ गिवज प्लेजर इन द फ्लावर्स टूडे एंड गिव गिवज नॉट टू थिंक सो फार अवे एज द अनसर्टेन हार्वेस्ट कीपर्स हियर ऑल सिंपली इन द स्प्रिंगिंग ऑफ द ईयर ठीक है तो जो पोएट है वो यह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान जो आप हमें आज खाने को दे रहे हैं या आज हमें जो आपसे चीज़ें मिल रही हैं हमें उसी में खुशी मिले ठीक है और हम कल के बारे में ज़्यादा ना सोचें ज़्यादा परेशान ना हो क्योंकि वो कह रहे हैं एंड अस नॉट टू थिंक सो फार अवे और ज़्यादा दूर की ना सोचें हमें आज के उसमें आज जो आपसे मिल रहा है फ्लावर्स फ्रूट्स उसमें हमें खुशी मिले एज दी अनसर्टेन हार्वेस्ट अस हेयर ऑल सिंपली इन द स्प्रिंगिंग ऑफ द ईयर और जो अनसर्टेन हार्वेस्ट है अनसर्टेन मतलब जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कैसा होगा ठीक है अब हमें नहीं पता कि एक जो पेड़ है वो कल कितने फल देगा कितने फूल देगा तो हमें आज में खुशी खुश रहना चाहिए हमें कल के उस हार्वेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए नहीं परेशान होना चाहिए मैं ये प्रेयर कर रहा हूँ आपसे ठीक है फिर है ओ गिव प्लेजर इन ऑर्चर्ड वाइड लाइक नथिंग एल्स बाय डे Like ghosts by night and make us happy as the happy bees, the swarm dilating round the perfect trees. इस सेकेंड स्टैंड में पोएट कह रहा है कि भगवान हमें हर जगह खुशी मिले आपकी बनाई हुई हर चीज में हमें खुशी मिले कहाँ कहाँ जैसे कि ऑर्चर्ड वाइट ऑर्चर्ड मतलब वह बगीचा जहाँ पे बहुत सारे फूल फल होते हैं ठीक है एंड हमें हर उस चीज़ में खुशी मिले चाहे वह दिन है नथिंग लाइक नथिंग एल्स बाय डे जैसे दिन में हमें खुशी मिले और ऐसे ही हम रात के बारे में भी सोचें चाहे रात को भूत आते हैं ऐसा कहा जाता है लेकिन हमें रात में भी खुशी मिले एंड मेक अस हैप्पी एज द हैप्पी बीज और जैसे कि अगर हम बीज को देखें मक्खियों को देखें तो वो हर वक्त खुश रहती हैं इधर से उधर घूमती रहती हैं हम भी ऐसे ही खुश रहें और ज़्यादा परेशान ना हों द स्व डेटिंग राउंड द परफेक्ट ट्रीज जैसे कि वे हमेशा जो मक्खियों का झुंड है वे हमेशा क्या होता रहता है घूमता रहता है पेड़ों के आसपास या कहीं भी ऐसे हम भी घूमते रहें और हमेशा हम खुश रहें और चीज़ों को लेके परेशान ना हूँ और आपकी बनाई हुई हर चीज़ में मतलब भगवान की बनाई हुई हर चीज़ में इंसान को अपना सुख मिल जा मिलता है और वही हमें देखना चाहिए ओके स्टूडेंट्स सो ये आज का आपका होमवर्क है हम इस स्टैंडा को यहीं तक करेंगे पोएम को आपका आज का होमवर्क है जो भी मैंने आपको इन दो स्टैंड में एक्सप्लेन किया है उसकी आप हिंदी अपनी कॉपी में लिखेंगे ठीक है जो भी आपको इन दो स्टैंडर्स की लाइन की हिंदी समझ आई है उसको आप हिंदी में लिखेंगे प्लस आपका होमवर्क है कि आप इन दो स्टैंडर्स को लर्न करेंगे इस पोएम के दो स्टैंडर्स आपको लर्न होने चाहिए ओके थैंक यू स्टूडेंट्स